दोस्तों नमस्कार, लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम फॉरेस्ट गार्ड यूपी ट्रिपल एससी ने जो आज पेपर आयोजित कराया उसके जीएस के सेक्शन की आंसर की देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 से जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट हैं। इसके पहले हमने हिंदी की सबसे अप्रोप्रिएट व ऑथेंटिक आंसर की डाल दी है, तो आप उसकी देख सकते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चीता के पुनर्परिचय यानी री इंट्रोडक्शन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो इसका नामीबिया आंसर हो जाएगा यानी डी। वन में वनस्पति की परत जो निम्न वितान के ठीक नीचे होती वो क्या कहलाती, इसको सर्व लेयर के नाम से जाना जाता, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विशेष रूप से लाल पांडा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा यानी कंचन जंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, सागौन साल शीशम हुर्रा महुआ आंवला सेमल कुसुम और चंदन ये किस प्रकार की वनस्पतियां हैं, तो ये उष्ण कटबंधी पर्णपाती वन, तो इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा। अगला, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि देखी गई है, तो ये आंध्र प्रदेश में देखी गई, तो इसका आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम पंजाब हरियाणा राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार के वन हैं, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय कंटक वन है, इसी को ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। भारत की जलवायु को मानसूनी प्रकार की जलवायु कहा जाता, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस स्थान पर हरियाली महोत्सव का आयोजन किया, तो ये नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया। सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी देश पर हावी रहती है, वे भूमि से समुद्र की ओर बहती है और इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए यह शुष्क मौसम है, और इसका आंसर व्यापारिक पवन हो जाएगा यानी सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेशों के बीच नीति आयोग के प्रथम राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, ये क्वेश्चन पीछे भी पूछा जा चुका है, यानी सेकी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले में कौन शामिल है, तो ये दादरा नगर हवेली, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस कारक के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियाँ होती हैं, तो इसका है समुद्र से घिराव होने के कारण। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है, तो इसका आंसर दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली में अधिक गर्मी अधिक ठंडी ये सब होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2022 में किस संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने को मंजूरी दी, तो ये आपका CDRI हो जाएगा, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी फुल फॉर्म होती है तो कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। MSME प्रमाणन योजना के तहत मध्यम यानी मीडियम साइज का पूछ रहा है उनके व्यवसाय में, तो इसमें माइक्रो स्मॉल मीडियम, तो इसके लिए यानी 80% जो माइक्रो हैं, स्मॉल के लिए 60% की सब्सिडी और जो मीडियम है इसके लिए 50% की सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया गया, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 50%। विधायी मामलों में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को छोड़कर अन्य मामलों में सभी शक्तियां बराबर होती, तो वो कौन है, धन विधेयक आर्टिकल 110। अगला, ब्रोकेड कहाँ की प्रसिद्ध कलाकृति है, तो ये बनारस की है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सिंगापुर ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो PV सिंधु ने जीता, और किसको हराया, तो वांग झी ई जो पहला ऑप्शन है चाइना की, इनको हरा करके जीता है। 2022 विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या है, तो इसकी थीम ये पहला वाला हो जाएगा, 8 बिलियन की दुनिया सभी के लिए एक लाचीले भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करने के लिए, ये इसकी क्या है,
थीम है। अगला क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है? तो इसका आंसर जापान हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने जुलाई 2022 में विकासशील देशों में जीवन यापन की लागत के संकट यानी कास्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट जारी की? तो UNDP इसका आंसर हो जाएगा। UNDP के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। निम्नलिखित में से किस नृत्य का उत्तर प्रदेश का जो क्लासिकल डांस में इसका नृत्य में आता है तो एक कथक हो जाएगा। महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति, इसका आंसर बृहस्पति हो जाएगा, कि को देख करके इसको निर्धारित किया जाता है, को देख करके क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका, ये इधर हो ही गया कुंभ मेला वाला। हाँ, अगला, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने जुलाई 2022 में कृषि पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन पर एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर जर्मनी हो जाएगा, पहला वाला। अगला, गुजरात एग्रो रेडिएशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी गुजरात में पहले और भारत में चौथी सुविधा जिसे USDA APHIC के निर्यात के लिए मंजूरी मिली है, तो इसको आम और अनार के लिए क्या मिली, मंजूरी मिली है। किस पश्चिम अफ्रीकी देश ने घातक मारबर्ग वायरस के सबसे पहले प्रकोप की सूचना दी? तो ये यानी मारबर्ग वायरस के पहले प्रकोप की सूचना दी, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस शहर में 2022 में आयोजित वर्ल्ड अर्बन फोरम 11 का, तो ये कहाँ किया गया यानी केटोविस में इसका आयोजन किया गया है। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर की खोज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसमें F3 के लिए यानी F3 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगला पूछ रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? तो इसमें रिमोट एक कंप्यूटर का प्रकार नहीं, बाकी डिजिटल एनालॉग हाइब्रिड एक कंप्यूटर का प्रकार है। निम्न में से किस शहर ने कमलम ड्रैगन फ्रूट 2022 पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार के कृषि और किसान मंत्रालय ने किया? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। अगला, कृषि और किसान मंत्रालय ने दो सरकारी कार्यक्रमों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए हस्ताक्षर किया? तो इसमें हस्ताक्षर किसने किया, UNDP, इसका भी आंसर UNDP हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में अंडा गुफा हर्मिका थी एक बालकनी जैसी संरचना जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे क्या कहा जाता था? इसी को यष्टि कहा जाता था। अगला, छठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा? तो ये हिंदवी भाषा से पुकारा था। विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता था? तो इसको नरपति के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया? तो ये गुंडेश्वर मंदिर सिन्नार, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों के साथ किस समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 में बंद कर दिया गया था? गांधी इरविन समझौता, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में से किसने महाजनपदों का उल्लेख किया है? तो ये 16 महाजनपद अंगुत्तर निकाय में इसका उल्लेख किया गया। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य होती है? तो सबसे ज़्यादा सोना, इसको खींचा जा सकता है तार लंबा लंबा करके। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, एक आधुनिक सारणी तत्वों की आवर्त सारणी का तथा कथित लंबा रूप यानी लंबा रूप क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? जो ये क्षैतिज ये पंक्तियाँ होती हैं इनको आवर्त कहा जाता, जबकि ये वाली लंबवत वाली पंक्तियों को क्या कहा जाता है? इनको वर्ग कहा जाता। तो इसमें क्षैतिज पूछ रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आवर्त हो जाएगा। अगला, ओम के नियम के अनुसार तो वी यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, वी अपान आई हो जाएगा, क्योंकि वी बराबर आई आर होता है। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, तो इसका आर बराबर वी अपान क्या हो जाएगा, आई। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो नाना साहब ने किया।
अगला निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो स्टेपीज है, ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अगला क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन नाम की शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो नरोरा, ये बुलंदशहर में स्थित है। अगला, भारत का प्रसिद्ध स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे निम्नलिखित में से किस प्रमुख शहर को नहीं जोड़ता? तो ये हैदराबाद को नहीं जोड़ता, बाकी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई को जोड़ता है। निम्न में से किस प्रकार के लेंस का उपयोग हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता? तो ये अवतल लेंस का प्रयोग छोटा प्रतिबिंब के लिए किया जाता है। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में कापर का सबसे ज़्यादा भंडार है? तो ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा भंडार है। अगला क्वेश्चन फिर पूछ रहा है, भारत का सबसे उत्तरी छोर क्या? तो 84 से 37 नॉर्थ हो जाएगा। दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पर आता? तो फंडी की खाड़ी में आता, कनाडा में है। ताना रिवर मंगावे बानर, ये बंदर हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं केन्या, अफ्रीका में पाए जाते हैं। बिंद पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में निम्नलिखित में से किस श्रेणी से गिरा? तो ये सतपुरा से गिरा हुआ है। पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता? कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड हमेशा उल्टा पिरामिड बनता है? तो इसका आंसर उल्टा पिरामिड हो जाएगा। विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहा जाता है? इसी को स्ट्रेटिफिकेशन स्तर विन्यास के नाम से जाना जाता है। रुई के समान दिखते हैं, वे आमतौर पर 4,000 से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं, ऐसे बादल को क्या कहा जाता? यानी कपासी मेघ के नाम से जाना जाता है। एक खास श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को किस रूप में जाना जाता है? इसी को इकोलॉजिकल एफिशिएंसी पारिस्थितिकी दक्षता के नाम से जाना जाता है। जब भी रेशियो आए तो जाहिर सी बात है वो दक्षता ही होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में टाइगर रिजर्व नहीं है? तो ये डाची गांव टाइगर रिजर्व नहीं है, बाकी हैं। निम्नलिखित में से कौन पक्षी अभ्यारण उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये समसपुर पक्षी अभ्यारण रायबरेली में स्थित है। समान मैनपुरी में है। पृथ्वी की निम्न में से किस परत में वायुमंडली ओजोन परत का संकेंद्रण सबसे ज़्यादा होता? तो ये दूसरी परत समताप मंडल में। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित है? तो ये दिल्ली एयरपोर्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे आपके, कितने हो गए यानी 140 तक हमने क्या किए, डिस्कस कर दिए हैं। तो 140 तक ये आपके क्वेश्चन हैं, तो 80 क्वेश्चन और 140 यानी 60 क्वेश्चन इसके जीएस के आए थे। इसी के साथ अब रीजनिंग की आपकी वीडियो मिलेगी, तब तक के लिए वीडियो आराम से देखिए और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी लिखते भी चलिए। तो ये वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।